People, this is Ankit and welcome to the channel once again. So guys, after 2 years, मैंने अपने लिए एक नया हेलमेट ले लिया है और वो लिया है SMK का हेलमेट. So वैसे तो आपने इस हेलमेट का फर्स्ट लुक देख ही लिया. So without wasting any time, मैं फटाफट इसको बॉक्स से बाहर निकालता हूँ और आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन सा हेलमेट परचेज किया. So this is the helmet which I recently bought और इस हेलमेट का नाम है SMK Blade. और आपको ऐसा ना लगे कि मैंने जस्ट बॉक्स से निकाला तो इसके अंदर ये माउंट क्यों लगा हुआ है और ये ब्लूटूथ क्यों लगा हुआ है. एक्चुअली मुझे 3 से 4 दिन हो चुके हैं इस हेलमेट को यूज़ करे हुए. मैं ऐसा नहीं चाहता था जस्ट बॉक्स से बाहर निकाला, आप लोगों को बताया कि हेलमेट मैंने परचेज किया है, इतने क्या किया है, आपको परचेज करना है कर लो, नहीं करना तो नहीं करो. मैं एक्चुअली चाहता था कि कम से कम मैं इसको 3 से 4 दिन यूज़ कर लूँ, एक रिव्यू भी मेरा भी बन जाए अपनी साइड से कि हाँ मैं आपको बता सकूँ कि एक्चुअल में ये वर्थ है भी या नहीं है हेलमेट लेना, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. सो वो चीज़ें तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले अपनी रीजन्स बता देता हूँ कि हेलमेट मैंने क्यों परचेज किया. सबसे पहले इस हेलमेट की बात करूं तो इस हेलमेट की डिज़ाइनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी. इसमें एक्चुअली 3 कलर्स आते हैं, एक आता है ऑरेंज, एक आता है रेड, एक आता है ब्लू. ये ब्लू वर्जन है. मेरे पास ऑलरेडी जो है एक हेलमेट है जिसका कलर ब्लैक और ऑरेंज कंट्रास्ट के अंदर है. सो आई थॉट इस बार ब्लैक और ब्लू कंट्रास्ट में ले लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा मेरे लिए और थोड़ा रिफ्रेशिंग भी हो जाएगा. और इस हेलमेट की कुछ फीचर्स हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे. सबसे पहली जो चीज़ मुझे अच्छी लगी इस हेलमेट में वो थी इसकी पैडिंग. मैंने काफ़ी हेलमेट ट्राई किए थे इस हेलमेट को लेने से पहले और जो मुझे एक्चुअली में चाहिए था वो मुझे इस हेलमेट में मिला. वो क्या चीज़ था, वो थी इसकी पैडिंग. इसकी पैडिंग की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको और भी बातें बता दूँ. जब भी मुझे 5 से 10 किलोमीटर की राइड या 15 किलोमीटर की राइड करनी होती है, दिस इज़ माई हेलमेट. ये एक स्टड्स का हेलमेट है मेरा और ये जब भी मैं 10-15 किलोमीटर की राइड पे जाता हूँ या कुछ कहीं भी कोई काम है, पेट्रोल भरवाने जाना है कुछ भी, तो मैं ये हेलमेट यूज़ करता हूँ. और उसके बाद जब भी मुझे 40, 50 या 100,000 या 5,000 किलोमीटर की भी राइड पे जाना होता है तो ये है मेरा एक MT का हेलमेट जो मुझे 2 साल हो चुके हैं यूज़ करते. काफ़ी सेटिस्फाइंग हेलमेट ये वाला भी, तो मुझे ये हेलमेट मैं यूज़ करता हूँ. अब प्रॉब्लम मेरे साथ यही था कि जब भी मैं 40-50 किलोमीटर की राइड करता हूँ ना, तो MT का आप लोगों को भी पता है कि एक ड्रॉबैक है और एक अच्छी चीज़ है उसी के अंदर. जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसकी पैडिंग जो दे रखी है काफ़ी हैवी और काफ़ी ज़्यादा पैडिंग होती है और यही इसका ड्रॉबैक मुझे कहीं बार लगता है, क्योंकि जब भी मैं 40-50 किलोमीटर्स की राइड करता हूँ तो ये मेरे बिल्कुल चीक्स को पकड़ लेता है. साथ में एज अ ब्लॉगर मेरे इसके अंदर ऑलरेडी यू नो ब्लूटूथ की वायर भी जा रही होती है, मेरे GoPro की भी इसकी पूरी वायरिंग जा रही होती है. तो ये इतना सा भी स्पेस नहीं बचता कि मैं अपनी ढंग से सांस भी ले सकूं. जब भी लॉन्ग राइड जाना है तो आई हैव नो अदर ऑप्शन, मुझे यही पहनना है क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट. और यही एक रीज़न था कि मुझे अब ये हेलमेट अपने लिए एक नया लेना पड़ा, क्योंकि 40-50 किलोमीटर्स की राइड के ऊपर या ड्राइव के ऊपर मुझसे ये हेलमेट नहीं पहना जा रहा था बिल्कुल भी. सो मेन रीज़न यही है कि इसकी पैडिंग बहुत सॉफ्ट पैडिंग है. मैंने सोचा नहीं था कि इसके अंदर मैं अपनी GoPro की वायर या फिर ब्लूटूथ भी इसके साथ कनेक्ट करूँगा, बट मैंने इसके साथ GoPro की वायर और सब कुछ कनेक्शन वैसे ही जैसे मैं इस हेलमेट में कर रखा है इसमें भी किया. और जब मैंने इसको पहना तो मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगा, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ यार इसकी पैडिंग मुझे इरीटेट कर रही है कुछ भी कर रही है. और बहुत सॉफ्ट पैडिंग है, जैसा मुझे चाहिए था वैसे ही है. रिमूवेबल है, मतलब आप इजीली इसको वॉश कर सकते हो. आप कहीं पर भी राइड पे गए, आपने उतारा, इसको वॉश किया, वापस इसको लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर. और साथ में अगर इसकी प्रोटेक्शन की बात करूँ तो ECE सर्टिफाइड है. ECE मतलब यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है. अगर US के हिसाब से होती है तो डॉट होती है, अगर इंडियन के हिसाब से होती है तो ISI होती है. ये जितनी भी डिज़ाइनिंग्स होती है SMK की हेलमेट्स की, ये सारी यूरोपियन डिज़ाइनिंग्स होती है, मेड इन इंडिया होते हैं ये, बट डिज़ाइनिंग सारी यूरोपियन होती है. जो मुझे सेकंड फीचर इसका हेलमेट का अच्छा लगा इस प्राइस रेंज के अंदर वो था ये, देख रहे हो ये फीचर मुझे बहुत पसंद आता है एक्चुअली, क्योंकि धूप में बाइक चलाना बहुत कई बार डिफिकल्ट हो जाता है. सो सन वाइजर बहुत ज़रूरी है, मुझे हैबिट भी है, विदाउट सन वाइजर मैं बाइक चला भी नहीं पाता. तो एक ये इंपॉर्टेंट फीचर था जो मुझे हर हाल में चाहिए था मेरे हेलमेट में.
और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर जो मुझे इस हेलमेट में लगा वो ये था, इसके अंदर जो दे रखा है वो है पिन लॉक वाइजर। पिन लॉक वाइजर से क्या होता है, जब भी आप कभी माउंटेन एरिया में गए हो या फिर आप ठंड के टाइम पे बाइक चला रहे हो, विंटर्स में चला रहे हो, आपने कई बार नोट किया होगा कि आपके हेलमेट में फॉग जम जाता है। सो पिन लॉक वाइजर से क्या होता है कि आपका फॉग नहीं जमता बिल्कुल भी। ये भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, आजकल काफ़ी हेलमेट्स में लग के आता है, बट SMK एक ऐसा ब्रांड है जो प्री इंस्टॉल्ड लगा के देता है। यूजुअली जो दूसरे ब्रांड्स होते हैं वो साथ में एक अलग से दे देते हैं, आपको ऑप्शनल होता है, बट दिस इज द कूलेस्ट फीचर, SMK साथ में ही पिन लॉक वाइजर दे देता है। अगर इसकी वेंटिलेशन की बात करूँ तो यहाँ पर एक फ्रंट में आपको वेंटिलेशन देखने को मिलती है, एक इसके हेड साइड पे वेंटिलेशन देखने को मिल जाती है, और बैक से आपको जो है ये एग्जॉस्ट है तो यहाँ से हवा सारी पास ऑन हो जाती है। और भी जो मुझे इसका फीचर अच्छा लगा वो ये लगा कि ये देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है ब्लूटूथ का लगाने का सिस्टम, मतलब आप अपना ब्लूटूथ डिवाइस यहाँ पर लगा सकते हो, अपनी वायरिंग अंदर यहीं से जाएगी, आपकी पैडिंग खुलेगी और यहीं यहीं से वायरिंग आपको हो जाएगा, कोई वायरिंग का झमेला नहीं। बट मेरे पास एक जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो है ये है लेक्सिन मोटो का। ये एक्चुअली मुझे US की कंपनी ने भेजा था और ये काफ़ी कॉस्टली है, अराउंड 14,000 रुपीज़ का एक ये ब्लूटूथ डिवाइस है। सो लेक्सिन मोटो एक्चुअली चाहते थे कि मैं यहाँ पर कम से कम अपने हेलमेट पे कोई भी हेलमेट हो ये लोगो ज़रूर दिखे, सो यहाँ पर लगाने का कोई सेंस बन नहीं रहा था मेरा, सो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है। और जो मुझे एक दो चीज़ इस हेलमेट में पसंद नहीं है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। अगर SMK में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू या फिर सजेस्ट, जो भी आप समझो, मैं ये करना चाहूँगा, जो इसकी आपने ये दे रखा है, इसका जो लॉक सिस्टम दे रखा है, ये एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा सेफ नहीं लगता। जो अगर स्टैंडर्ड्स की बात करूँ या जितने भी प्रीमियम हेलमेट्स होते हैं उनके अंदर आता है डी रिंग, एक साइड से निकालो और दूसरी साइड से निकाल दो, तो वो सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। वो बेसिकली क्या होता है, वो कभी खुलेगा ही नहीं, इनकेस आपको कुछ फॉल होता है, कुछ भी होता है, तो अगर वो आपका लॉक है तो वो लॉक ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, वो इम्पॉसिबल है खोलना अनटिल एंड अनलेस आपका वो स्ट्रैप ना टूटे। तो स्ट्रैप मतलब ये वाला स्ट्रैप ना टूटे, वो टूटना भी इम्पॉसिबल ही है। इन द ऑन द अदर हैंड ये इतना सेफ नहीं है, मतलब अच्छा है नो डाउट, बहुत इजी आप रिमूव कर सकते हो, लगा सकते हो, बट इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर SMK में से कोई देख रहा है तो अगर इस चीज़ को अगर आप अपने आने वाले हेलमेट्स में अगर ठीक कर सको तो। और अभी मैं बताऊं तो गाइज ये मैं टेस्टिंग फेज में अभी यूज़ कर रहा हूँ हेलमेट, अभी मैं लद्दाख में हूँगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे मैं ऑलरेडी लद्दाख में हूँगा। आई एम नॉट प्रेटी श्योर कि मैं ये हेलमेट पहनूंगा या अपना MT का पहनूंगा, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग फेज में है। MT का हेलमेट मुझे बिल्कुल टेस्टेड है, मेरी ऑडियो क्वालिटी कैसी आती मुझे पता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि अभी मेरे पास 2 दिन और हैं, मैं 2 दिन बाद निकल रहा हूँ और 2 दिन मैं इस हेलमेट को अच्छी तरह से यूज़ करने वाला हूँ। इसमें मैंने अपना माइक सेटअप यूज़ कर दिया है, इसका जो चिन प्रोटेक्टर वाला एरिया है मुझे लगता है थोड़ा सा और बड़ा होता तो एज अ व्लॉगर, मतलब जो भी अगर कोई व्लॉगर यूज़ करता है तो उसके लिए भी ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें क्या होता है, विंड ब्लास्ट नहीं होता, वैसे भी मैंने इसको 90-100 की स्पीड पे बाइक चलाई है, विंड ब्लास्ट नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बट मुझे लगता है थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो इस हेलमेट का कंपैरिजन करना, मतलब कि अच्छे अच्छे ब्रांड के साथ भी कंपेयर करूँ तो यार ठीक ही होगा, कंपेयर करना वर्थ हो जाएगा इस हेलमेट को। बाकी डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो मैंने आपको डिज़ाइनिंग बता ही दिया, बहुत अच्छी है, लुक काफ़ी अच्छा है हेलमेट का, पहनने में काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है, लुक अच्छी है। और बाकी अगर इसकी विजन की बात करूँ तो विजन भी काफ़ी अच्छा है। मैं जब इस हेलमेट को पहन के चला रहा था तो ऐसा तो नहीं था कि मेरा कोई विजन कट रहा था या फिर चलाने में मुझे कोई इशू आ रहा था, विजन मेरे को बहुत इजीली फ्रंट का इजी दिख रहा था। दो ये आपको एक ये भी प्रोटेक्टर मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोटेक्टर मेरे आगे का व्यू काट रहा था, मैंने अपना GoPro भी लगाया, वो भी बहुत कंफर्टेबल यहीं तक फिट हो जाता है, तो व्यू भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि विजन बहुत सबसे बेस्ट विजन कहूँगा, बट जितना होना चाहिए एक हेलमेट में उस हिसाब से काफ़ी अच्छा विजन भी है इस हेलमेट के हिसाब से। तो गाइस यही था मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन इस हेलमेट को लेकर, और फर्स्ट रिव्यू भी बोल सकता हूँ। और आपका कोई भी क्वेरी है इस हेलमेट को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे उसके बारे में पता है तो मैं कमेंट करके आपको ज़रूर बताऊँगा कि हाँ ये चीज़ है इस हेलमेट के अंदर। और अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो ये आपको अमेजोन पे 4,300 रुपीज़ का मिल जाएगा, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट डील एंड विन विन सिचुएशन फॉर बायर, क्योंकि 4,300 में इतने फीचर्स के साथ इस ब्रांड का हेलमेट मिलना, इट्स अ ग्रेट डील, नो डाउट अबाउट दैट।
सो बस आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। मैं ऑलरेडी आपको बता दिया मैं लद्दाख में हूँगा, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे सारी स्टोरीज लद्दाख से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी और आई एम श्योर आप लद्दाख की सीरीज मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलो गाइस मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ।